उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। तबीयत ज्यादा खराब होने पर उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सुबह 8:11 पर आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष व्यक्त किया है। अभी जुलाई महीने में मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हो गया था। वह फेफड़ों से संक्रमित और अन्य बीमारियों से पीड़ित थी। उनका भी इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। मुलायम सिंह की सूचना मिलते ही सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर मेदांता अस्पताल से सीधे सैफे से लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार कल सैफे में किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए आज उनका शव सैफे आवास पर रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। अभी जुलाई महीने में मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हो गया था, जिसको लेकर वह काफी परेशान रहते थे। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के दुख की खबर सुनते, यानी मौत की खबर सुनने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में काफी दुख भी व्यक्त किया है। वहीं देश भर के नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है। वहीं अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से सहम रखने की अपील की है। मुलायम सिंह यादव को पेट दर्द और पेशाब में संक्रमित था। तबियत में सुधार होने के बाद भी उनको अस्पताल में डिस्चार्ज किया गया था। बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बाबा नाम मेवाराम था। मेवाराम के दो बेटे सुधर सिंह और बच्ची लाल सिंह थे। मुलायम सिंह यादव सुधर सिंह के बेटे थे। वही मुलायम सिंह यादव कुल 5 भाई थे, जिसमें शिवपाल यादव सबसे छोटे थे। अन्य भाइयों में रतन सिंह, राजपाल सिंह और अभय राज सिंह, प्रोफेसर राम गोपाल यादव मुलायम सिंह के काफी थिंक टैंक कहे जाते थे। राम गोपाल यादव मुलायम सिंह यादव के काफी नजदीकी थे और कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव की पीढ़ी में सबसे पढ़े लिखे राम गोपाल यादव ही है। वही बात करें मुलायम सिंह यादव के कैरियर की, तो मुलायम सिंह यादव ने 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे, लेकिन 1991 में जनता दल टूट गया। 1993 में उन्होंने फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार की बसपा सुप्रीमो मायावती से टकराव के बीच कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। फिर 2003 में मुख्यमंत्री बने और 2007 तक इस पद पर आसीन रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको नेताजी कहकर बुलाते थे। आज मुलायम सिंह पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसके बाद आज कार्यकर्ताओं में उनकी मौत की खबर सुनते ही काफी दुख व्यक्त किया है। वहीं देश भर के नेता आज अखिलेश यादव पे फोन पे वार्ता